स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है जो कि बहुत ही माउथ वाटरिंग है और आप इसको अगर एक बार बनाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, साथ ही उंगलियां भी चाट जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, पार्टी एपेटाइजर भी बहुत ही बढ़िया है ये। साइड डिश के फॉर्म में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर शाम की स्नैक के फॉर्म में बहुत अच्छा है। एज ए टी टाइम स्नैक, चाय या कॉफी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, सभी को बेहद मजा आएगा और हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। कैसे बना सकते हैं? कच्चे आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है चिली पोटैटो। आप इसको चिली मंचूरियन भी बोल सकते हैं, चिली पोटैटो भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। कैसे बनाना है, आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए आपको लेने हैं आलू। चार मीडियम साइज के कच्चे आलू लेकर मैंने छील लिया और छील कर सभी को पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से पानी में डालकर रखें। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कट करेंगे। तो इनको हमें स्क्वायर शेप में, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में हमें इसको कट करना है। इसके लिए आलू को आपको क्या करना है, सबसे पहले किनारों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा काट देना है, ताकि जब आप इसको काटें ना तो आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर पीसेस मिल जाएं। तो रेगुलर जिस तरह से हम काटते हैं बड़े बड़े पीसेज में भी आप इसको काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है ना, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छी शेप में इसको देकर बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जो इसकी साइड्स हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, आपको इसको किसी भी सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आलू की सब्जी घर में बना रहे, कोई भी आलू गोभी बना रहे, भिंडी आलू बना रहे, कोई भी बना रहे, तो आप ये आलू एजेस वाले उसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस काटने हैं ना छोटे काटने हैं, वैसे तो आपके ऊपर है, आप छोटे बड़े अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो सारे आलू इस तरह से काट कर रख लेंगे और इसके बाद में इसको भी हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। एक बार अच्छे से इस तरह से पानी में धो लेंगे और इस तरह से छान लेंगे। तो छलनी में निकाल लेंगे, सारा पानी ड्रिप हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद में हम इसे बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए एक भगोने में मैंने लिया है 1 लीटर के करीब पानी, उसमें आधी एक चम्मच नमक डाल दें और इसको आप बॉयल होने दीजिए हाई फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट। सिर्फ हल्का सा इसको हमें पार बॉयल करना है, इतने में ही ये हल्का सा कुक हो जाएगा और उसके बाद में इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे और इनको ठंडा करके इसके बाद में हम इनको यूज़ करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएँ। और अब आइए, एक हमें स्लरी बनानी होगी, एक घोल बनाना होगा जिसमें हम आलूओं को डुबोएंगे और डिप कर करके हम उनको फ्राई करेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल लेकर उसमें डालें 1/2 कप के करीब अरारोट। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, अरारोट भी ले सकते हैं, मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। 1/4 कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी बना रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म मसाला भी इसमें ज़रूर जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब भी हम खाते हैं तो वहाँ पर गर्म मसाला ज़रूर ऐड करते हैं। 1 चम्मच इसमें भरकर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मैंने होममेड यूज़ किया है। आप मार्केट का भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिक्सी में बनाकर या फिर सिलबट्टे पर पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स में जा चुके हैं, तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो धीरे धीरे करके पानी डालना है और इसका हमें घोल तैयार करना है। तो घोल हमारा बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 1/2 कप पानी डाला और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के करीब रेड ऑरेंज फूड कलर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मार्केट में आप जो खाते हैं, स्ट्रीट स्टाइल जो बनाते हैं, तो उसमें कलर यूज़ करते हैं, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही आज किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में देखिए, घोल हमारा रेडी हो गया था। तो अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको अच्छा गर्म तेल लेना है, हाई फ्लेम पर इनको डालना है। तो तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा, बढ़िया से धुआं सा निकलने लगेगा, इसके बाद में आलू के पीसेस को हम इसमें दूर दूर डालते जाएंगे, चिपकने ना पाएं आपस में, इस बात का ध्यान रखें। तो छोटे छोटे बैचेस में आप डालें और जब ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे उसके बाद बाहर निकालेंगे। तो शुरुआत में हाई फ्लेम पर डालना है और इनको मीडियम हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा इनको फ्राई होने में। पहले ही हमने इनको हल्का सा कुक कर लिया था, इसलिए बाद में इनको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारे आलू इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और अगर ये चिपक भी जाते हैं ना तो थोड़ी देर आप इनको छोड़ दीजिए, बाद में जब इनको आप उल्टा पलटी करेंगे ना तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो सारे आलू इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब आपको लेनी है एक और कढ़ाई और उसमें डालना है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ले सकते हैं। और देखिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। आप कोई भी बोल लेकर उसमें डालें। 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। तो ये आपको घोल बनाकर रखना है साइड में और इसको हम यहाँ पर मंचूरियन की जब सॉस बनाएंगे, हम आलू मंचूरियन की सॉस बनाकर रेडी करेंगे, तो तब हम यूज़ करेंगे गाढ़ा करने के लिए। तो तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया, हाई फ्लेम है हमारी। इसमें हमने डाल दिया है 12 से 15 लहसुन बारीक कटी हुई, 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और 4 से 5 इंच का हम यहाँ पर अदरक को घिसकर डाला है। आप कूट कर भी
डाल सकते हैं, पीस कर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम पर। तो कुछ देर इस तरह से सौते करेंगे और इसके बाद में एक प्याज को भी इसमें डाल देंगे। महीन बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज हमें इसमें ऐड करनी है और उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च हमारी भून चुकी है, तो एक प्याज भी डालकर इसको भून लेते हैं। तो प्याज जैसे ही हल्का सा इसमें कलर आने लगेगा वैसे ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ हरी शिमला मिर्च ऐड करूँगी, अगर आपके पास लाल और पीली भी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो कलरफुल अगर होगी तो कोई भी डिश आप बना रहे तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से काट कर ऐड कर दिया। शिमला मिर्च का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं। अब इसमें कुछ सॉसेस जाएंगी, चाइनीज सॉसेस जिसमें डाली है 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड की है, मैंने डार्क की है, आप चाहे तो लाइट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून खटास के लिए इसमें विनेगर डालेंगे यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, आप इसकी जगह आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए ताकि सॉसेस जलने ना पाए और तुरंत से आप इसमें डाल दीजिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो जो हमने कॉर्नफ्लावर और आधा कप पानी का घोल बनाया था वो हम सॉसेस के साथ डाल देते हैं और फटाफट से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी धीमी है ताकि सॉसेस हमारी जल्दी से गाढ़ी ना हो पाए और मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। आधा कप के करीब पानी और डाल देंगे क्योंकि सॉस हमें अभी काफ़ी गाढ़ी लग रही है और इसमें हम जब आलू डालेंगे तो अच्छी सी कोटिंग आनी चाहिए। तो आधा कप पानी मैंने और डाल दिया यानी कि टोटल हमने 1 कप पानी का यूज़ किया है सॉस बनाने में। तो यहाँ पर आलू मंचूरियन की हमारी सॉस रेडी हो रही है, इसको हमें एक बॉयल लेना है यानी कि उबाल लेना है और कुछ मसाले और नमक हम इसमें डालेंगे और बस हमारी मंचूरियन की सॉस रेडी हो जाएगी। तो देखिए उबाल आने लगा है इसमें, इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस भी डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो हरा धनिया डाल सकते हैं, हरे प्याज से बहुत ही बढ़िया कलर खुशबू सभी कुछ आता है। तो आधी छोटी चम्मच नमक भी इसमें ज़रूर जाएगा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, आधी से एक चम्मच अजीनोमोटो ऐड कर दें, ऑप्शनल है डालना, चाइनीज़ नमक है, अगर आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर मार्केट में यूज़ होता है इसलिए मैंने डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाकर आप देख सकते हैं सॉसेज हमारी उबलने लगी है। तो हमने इसमें डाल दिए फ्राई किए हुए आलू, तो बहुत ही बढ़िया पोटैटो मंचूरियन यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो रहा है, बहुत ही यमी लगता है, इतना माउथ वाटरिंग होता है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊँ। खुशबू ही इसकी इतनी बढ़िया होती है कि पूरी किचन ना बिल्कुल महक रही है और जो भी आपकी किचन से गुजरेगा ना तो वो सोचेगा कि आपने क्या यमी चीज़ बनाई है। तो बहुत ही बढ़िया बनी है ये। तो इस तरह से आप आलू से बना हुआ ये नया नाश्ता बनाकर ज़रूर देखिएगा, शाम की टी टाइम स्नैक के फॉर्म में बहुत ही बढ़िया है और मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। तो मैं तो इसको जा रही हूँ तुरंत से सर्व करने, एकदम क्रिस्पी क्रंची बना है क्योंकि तुरंत से फ्राई करके तुरंत से आपको इसको सॉस में डालकर और तुरंत से ही सर्व करना है, तभी ये क्रिस्पी रहेगा क्रंची रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये आलू मंचूरियन की रेसिपी, चिली पोटैटो भी आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बनाइए इसको, खाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर माई रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय, लव यू।